हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन साइंस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 2021। तो अपने करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 68 का सेशन। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। पीपल्स अलाइन फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन वॉज फॉर्मली नोन एज गुप्कर डिक्लेरेशन। इट इज़ द पॉलिटिकल अलायंस बिटवीन द मल्टीपल मेन स्ट्रीम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एट सेफ गार्डिंग एंड रिस्टोरिंग द स्पेशल स्टेटस अलॉन्ग विद द आर्टिकल 35A ऑफ द एरेस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। एंड योर ऑप्शन आर ए ओनली, बी ओनली, बोथ आर नन। तो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो आंसर हियर इज बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो आपने द हिंदू में ये आर्टिकल देखा होगा, डिसअपॉइंटमेंट विद द पीएम्स मीट, गुप्कर अलायंस अभी फिर से न्यूज़ का पार्ट बना है। सो फिर हमारे लिए इसका जितना भी बैकग्राउंड है इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा बहुत। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, गुप्कर पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन को ही गुप्कर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इट इज़ अ पॉलिटिकल अलायंस, याद रखिएगा ये पॉलिटिकल अलायंस है, ओके। और ये जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है अलॉन्ग विद द आर्टिकल 35 स्टेटस, जो रिस्टोरिंग द स्पेशल स्टेटस अलॉन्ग विद आर्टिकल 35A ऑफ द अरेस्ट वाली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। सो इससे रिलेट करता है कि जो भी आपके जम्मू कश्मीर का स्टेटस था उसको रिस्टोर करने की बात करी जाती है इसमें। पहला डिक्लेरेशन जो ये हुआ था, इट वॉज साइंड ऑन 4 अगस्त 2019, और दैट मॉडिफिकेशन और एबोर्गेशन ऑन द आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370, जो कि दोनों के दोनों आपका जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से रिलेट करते हैं, ओके। और यहाँ पे आपके जो इसको गुप्कर रेसिडेंस जो है श्रीनगर में, वहाँ पे ये हुआ था, इसलिए इसको गुप्कर डिक्लेरेशन कहा जाता है। दूसरा गुप्कर डिक्लेरेशन हुआ था आपका 2020 में, जिसमें 6 पॉलिटिकल पार्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट ही हो जाता है कि ये भी फिर से आपका रिस्टोरेशन की बात करते हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की। सो याद रखिएगा गुप्कर अलायंस जो है वो इस चीज़ से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पद्म विभूषण इज द हाइएस्ट इन द हायरार्की ऑफ पद्म अवार्ड्स, फॉलोड बाय पद्म भूषण एंड पद्मश्री। द अवार्ड्स आर कन्फर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्म अवार्ड्स कमिटी, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। The awards seek to recognize achievements in all fields of the activities and discipline where an element of public service is involved, and the last is none of the above. So, आपको incorrect statement बताना है पद्मा अवार्ड से related. So, इसका आंसर होगा आपका, कल हमने भारत रत्न डिस्कस किया था, आज इसी को आगे करते हुए ये पढ़ रहे हैं। आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स नन ऑफ दी अबव, सारे स्टेटमेंट सही हैं। सो आपने ये देखा होगा पीएम अपील्स फॉर द पद्मा अवार्ड्स नॉमिनेशन। सो फिर से आपका ये न्यूज़ का पार्ट है तो देख लेते हैं इसको। पद्मा अवार्ड्स पर अनाउंस एनुअली ऑन रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को अनाउंस किए जाते हैं। स्टार्ट हुए थे 1954 में, याद करिए भारत रत्न भी आपको इसी टाइम पे स्टार्ट होता हुआ दिखता है। किसके लिए हुआ था, ताकि जो अचीवमेंट्स है लोगों के किस फील्ड में, आपके सारे डिसिप्लिन्स में पब्लिक सर्विस भी इसमें इन्वॉल्व की गई है, ओके। इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो है वो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो है ये डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर के लिए दिया जाता है। एंड पद्मश्री जो है ये डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। तो तीनों अलग अलग हैं, सबसे पहले आता है आपका विभूषण, देन भूषण एंड देन श्री। तो क्वेश्चन में आपका क्या था, क्वेश्चन में यही था कि पद्म विभूषण इज़ द हाइएस्ट, सबसे बड़ा हाइएस्ट पद्म विभूषण है, देन वी हैव पद्म भूषण एंड देन वी हैव पद्मश्री, ओके। बाकी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, अवार्ड आर कन्फर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द अवार्ड कमेटी विच इज़ कॉन्स्टिट्यूट बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी को बनाते हैं हर साल। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट तो बहुत प्लेन था, बिल्कुल ठीक है। पद्म अवार्ड्स ये हमने जैसे कहा था किस किस डिसिप्लिन में होते हैं, सो ये आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, इन सब में दिया जाता है। कमेटी जो होती है हर साल प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, और प्रेजेंट कौन करते हैं, प्रेजिडेंट करते हैं इससे हर साल। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। दी AIJS विच इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, इसकी फुल फॉर्म मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, सॉरी फॉर द राइटिंग। सो वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय द 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन इन 1958। The 44th Constitutional Amendment of 1976 amended Article 312, Part 1, empowering the Parliament to make the laws for the creation of one or more All India services, including AIJS, common to both Union and Territory states. And your options are one only, B only, both A and B, neither A nor B. इसका आंसर होगा आपका ओनली ए, विच मीन से पहला स्टेटमेंट सही है आपका। सो जो आपके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, ये सबसे पहले आपकी 14th जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, ओके, 1958 में उसने इसे सजेस्ट किया था। चलिए आप आज, मतलब आज का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप ये बताएंगे कि लॉ कमीशन कब बना था,
आप बहुत बार डिस्कस हो रखा है, बहुत ज़्यादा बार, सो इसलिए मैं फिर इसको नहीं बता रही हूँ। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि लॉ कमीशन कब बना था, कौन था उस टाइम पे। ये आपने द हिंदू में आर्टिकल देखा होगा कि विल अ नेशनल जुडिशरी वर्क, सो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल था, बहुत मैटर था इस आर्टिकल में। तो आपका 42nd, दूसरा स्टेटमेंट गलत इससे जाते क्योंकि 44th नहीं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था इसने आपका क्या बोला था, आर्टिकल 312 में अमेंडमेंट जो आपका यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस किया था। सो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1976 में अमेंडेड आर्टिकल 312 फर्स्ट एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर द क्रिएशन ऑफ वन ऑफ मोर सर्विसेज। सो याद रखिएगा आपका दो तीन चीज़ें हैं, 42nd अमेंडमेंट जो था आपका 1976 में हुआ था पहला, तो ये हो गया। दूसरा इसने क्या करा था, आपका आर्टिकल 312 के फर्स्ट में अमेंडमेंट किया था और पार्लियामेंट को एम्पावर किया था कि पार्लियामेंट यहाँ पे आपका क्या करेगी, बना सकती है क्या, एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज यहाँ पे बना सकती है। सो इसलिए आपके लिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आर्टिकल 312 जो है इसमें क्या बोला गया है कि राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू पास अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, देयरफॉर पार्लियामेंट हैज़ टू इनैक्ट लॉ क्रिएटिंग AIJS। सो आर्टिकल 312 में ये बोला था कि अगर ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो राज्यसभा जो है, ठीक है, जो आपका राज्यसभा जो होता है इसको आपका एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, ओके। और ये जो रेजोल्यूशन पास होगा कैसे होगा, नॉट लेस देन मतलब 2/3 मेजॉरिटी, और ये कौन सी होगी, प्रेजेंट इन वोटिंग मतलब जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं और उनकी वोटिंग यहाँ पे काउंट करी जाएगी, ये इससे ये रेजोल्यूशन पास होगा तब जाके यहाँ पे आपका बन पाएगा। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि पार्लियामेंट को इनैक्ट करना होगा इस तरीके से, पार्लियामेंट बनाएगी ऐसा लॉ जो कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का फॉर्मेशन करेगी। दिस मीन्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ AIJS। तो अब जब आर्टिकल 312 में ये कह दिया गया है कि राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके इसे बना देगी, सो इससे इम्प्लाइड दिख रहा है कि आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो यहाँ पे ज़रूरत ही है, ओके। जो आपका संविधान में किस तरीके का अमेंडमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत है, इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपका सेम इन द ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस 1993 में जो हुआ था यहाँ पे बोला था कि एंड ऑफ द सेम इन द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज शुड बी सेटअप। आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आपको बताना है आर्टिकल 233 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस चीज़ से डील करता है। पहला है दिल्ली, दूसरा है हाई कोर्ट, तीसरा है पंचायत, एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। देखिए हम मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे हमें सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने होते हैं जब हम पॉलिटी भी पढ़ते हैं तो, बट जो न्यूज़ का पार्ट होते हैं वो हमें याद कर रखना होता है, प्लस जो काफ़ी कॉमन होते हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं वो हमें याद रखने ही होते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी, विच में सन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो क्यों हमने ये आर्टिकल डाला, तो आपने जो अभी हमने पीछे भी जो आर्टिकल डिस्कस किया था द हिंदू का, उसी आर्टिकल में आगे इस आर्टिकल की बात करी गई थी, आर्टिकल 233 जहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट जज की बात करी गई है। सो बेसिकली आपका जो आर्टिकल 233 है ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जजेस होते हैं इनकी बात करता है, ओके। इनके अपॉइंटमेंट की बात करी जाती है इसके अंदर, इसके फर्दर सब क्लॉजेज में, ओके। कौन इसको अपॉइंट करता है, यहाँ पे आपका इनका जो देखा गया है वो गवर्नर के थ्रू देखा गया है, ठीक। ये देखिए आर्टिकल 233 यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करी गई है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू बी एंड पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी कोर्ट शैल बी मेड बाय गवर्नर और ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू स्टेट। सो जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, जो स्टेट का गवर्नर होगा वो करेगा, किसके साथ कंसल्ट करके, जो वहाँ का हाई कोर्ट होगा उसके साथ कंसल्ट करके। अब यहाँ बता रखा है कि पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट शैल ओनली बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटमेंट अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इफ ही हैज़ बीन फॉर नॉट लेस देन 7 years एडवोकेट और प्लीडर एंड इज रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट। अगर किसी को आपका डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो उसको 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए या तो एडवोकेट होना चाहिए या फिर उसको प्लीडर होना चाहिए, ओके, या और उसका रिकमेंडेशन आना चाहिए हाई कोर्ट से। आर्टिकल 233(1) जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, पोस्टिंग की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, किस तरीके से होगा एंड सो ऑन। यहीं फिर आर्टिकल 233(2) जो है इसमें पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट शैल ओनली बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटमेंट जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इफ ही हैज़ बीन फॉर नॉट लेस देन 7 years अपॉइंटमेंट, वही जो हमने पीछे बोला आगे ये डिस्कस किया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन,
all the farmer produce organization are legally registered as cooperative society, as cooperatives under the State Cooperative Societies Act. And then we have second statement is NABARD act as a nodal agency for the promotion of FPOs within the India. ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि जो ऑल जितने भी आपके फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको आपकी कोऑपरेटिव्स सोसाइटी एक्ट के अंदर जो होगा उसके अंदर आपको रजिस्टर होना पड़ता है. दूसरा नाबार्ड जो है यहाँ पे आपकी इनकी नोडल एजेंसी है. सो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, देखते हैं इसका आंसर. आंसर होगा इसका डी, शायद दिख ही गया था. सो इसका डी मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि ऑल जितनी भी आपकी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनको इसके अंदर रजिस्टर होना पड़ता है. और दूसरा नाबार्ड भी इसमें गलत हो जाता है. तो देख लीजिए इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है वो आपका रेगुलेट करता है जितने भी आपकी ग्रोथ एफपीओज होते हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, उनको रजिस्टर करता है. और ये फिर अलग अलग उसके अंदर रजिस्टर्स होती हैं. तो जहाँ पे हम वो बोल रहे थे कि सारी आपकी उसके अंदर होती हैं तो फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है. तो ये अलग अलग हुए हैं जिनके अंदर वो रजिस्टर होती है, मल्टीपल स्टेट सोसाइटी सेक्शन, इंडियन कंपनीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर एक्ट, उनके काम के अकॉर्डिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक? कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क एंड नामधापा नेशनल पार्क. जो कौन सा है जो आपका वेरी करता है ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल की तरफ को, टेम्परेट की तरफ को? ट्रॉपिकल आप देखिए जो आपके तीन आपके डिवीजन होते हैं ना इस तरीके से आपका ग्लो ओशन, दिस इज नॉट अ ग्लो, इसका छोड़िए. तो आप ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल अभी हम फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं. इसको आंसर होगा इसका डी, विच मीन्स आपका जो नामधापा है वो आपका यहाँ पे जो होता है ये आपका वैरी करता है ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल की तरफ. सो आपका जितने भी आपका कंचनजंगा और नंदा देवी था ये दोनों आप इन दोनों में आपका ट्रॉपिकल वेजिटेशन नहीं मिलता, इससे ये गलत हो जाता है. नामधापा आपका जो है ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर भी प्रोटेक्टेड है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है. ये अब वैसे तो ये ज्योग्राफी में डिस्कस होगा बट ये वही है कि आपका अलग अलग तरीके से जाते हैं फिर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इस तरीके से ना आप देखते चलिए. वैद्यनाथ कमेटी वॉज रिलेटेड टू डिजिटल इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी, कॉपरेटिव सोसाइटी, नन ऑफ द अबव. अगेन जिसने आर्टिकल अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए ये न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हैं अगर आप तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत केक हो जाता है. फिर आंसर होगा इसका डी, कॉपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है. तो इस कमेटी ने बोला था आपका कि रिकैपिटलाइजेशन होना चाहिए कॉपरेटिव सोसाइटीज का, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए. ओके वहाँ पे किस तरीके से बेसिकली किस तरीके से ग्रोथ हो, किस तरीके से वो आपका ना सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करें जिस मोटिव के लिए वो बने हुए हैं उसके बारे में रिकमेंडेशन दी. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ स्पीकर, स्पीकर के फंक्शन बताने हैं. द स्पीकर इज द प्रिंसिपल स्पोकमैन ऑफ द हाउस, ही रिप्रेजेंट इट्स कलेक्टिव वॉइस एंड इट्स द सोल रिप्रेजेंटेटिव आउटसाइड द वर्ल्ड. ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल जो होता है वो प्रिंसिपल स्पोक्समैन आपका जो मेन जो बोलने वाला होगा हाउस में वो होगा, वो कलेक्टिव वॉइस सबकी वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो. दूसरा स्पीकर प्रिसाइड ओवर द हाउस प्रोसीडिंग एंड जॉइंट सिटिंग्स ऑफ द टू हाउसेज. अगर किसी भी तरीके की जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग मतलब आपकी लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की अगर जॉइंट सिटिंग हो रही है तो वहाँ पे आपको उसको हेड कौन करेगा, स्पीकर करेगा. तीसरा बोल रहा है कि इट इज़ द स्पीकर्स डिसीजन दैट डिटरमाइन वेदर बिल इज मनी बी देयर फॉर आउटसाइड द प्रीवियस ऑफ अदर हाउस. सो ये आपका स्पीकर को ही पावर दी गई है कि बताएं कि कौन सा बिल आपका मनी बिल होगा या नहीं होगा. सो ये पावर भी स्पीकर को है या फिर ऑल ऑफ द अबव. ये सारे फंक्शन क्या स्पीकर के हैं. आंसर होगा इसका डी, विच मीन्स सही सारे फंक्शन आपके स्पीकर के हैं. सो आर्टिकल 93 में आपका लोकसभा के स्पीकर की बात करी गई है, 178 में स्टेट असेंबली के स्पीकर की बात करी गई है. फिर यहाँ पे जो आपका टू ऑफ इट्स मेंबर्स टू बी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, सॉरी स्टेट असेंबली स्टेट शैल है स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है दोनों की बात करिए. इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स द प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं वो डेट फॉर इलेक्शन डिसाइड करते हैं कि कब. इट इज़ अ स्पीकर हु डिसाइड द डेट फॉर इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर. सो जो स्पीकर का इलेक्शन होगा इसकी डेट कौन डिसाइड करेगा? अगर लोकसभा है तो वहाँ पे आपका प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा. ओके और अगर आपका क्या है स्टेट असेंबली है तो वहाँ पे आपका गवर्नर डिसाइड करेगा. ओके फिर डेप्यूटी स्पीकर की ये खुद करते हैं. लेजिस्लेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस वोट अलॉन्ग विद द मेंबर्स, वो वोटिंग करते हैं. फिर ये फंक्शन दे रखें कि स्पीकर आपका प्रिंसिपल स्पोकमैन है जो हमने पीछे बताया था, मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है अगर जॉइंट सिटिंग होती है. ओके स्पीकर को ही पावर होती है कि मनी बिल बताएगा होगा कि नहीं होगा. डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन वैरी कर सकती है, ये सब आपके एक बार देख सकते हैं. डैश हैज अनाउंस दैट इट विल लॉन्च इट्स वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर और वाइपर इन 2023. तो किसने अनाउंस किया है? इसरो, नासा, ESA मतलब यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ओके यूरोपियन स्पेस एजेंसी
और लास्ट है आपका नन ऑफ दी अबव. सो आपको बताना है किसने अनाउंस किया अभी है. आंसर होगा इसका भी नासा ने किया है. सो बेसिकली ये मोबाइल रोबोट है और फर्स्ट रिसोर्स मैपिंग मिशन होगा ये आपका, नासा ने इसे लॉन्च किया है. सो अभी ये अनाउंस्ड है, आगे जब इसमें जो भी होगा हम देख लेंगे. कहाँ पे भेजा जा रहा है ये आपका, मून का जो साउथ पोल है वहाँ पे, और लूनर रिसोर्स मैप यहाँ पे देखे जाएंगे. नॉर्थ. लास्ट क्वेश्चन, लेमरू एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, कहाँ है ये. सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स आपका छत्तीसगढ़ में है. सो बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे 2005 में ये प्रपोज हुआ था, 2007 में अप्रूवल हुआ था. इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज है ना, इनको शिफ्ट करने की बात करी गई है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कई माइंस, कोल माइंस आपको देखने को मिल, रिसोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और क्योंकि आपका इस रिजर्व पे आ रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रही है, इसलिए इसको बात करिए. सो आई